ये शिक्षकों के साथ जो मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है पूरे बिहार में, और जिस तरह से उनके साथ धोखा हो रहा है, जिस तरह से बिहार में युवाओं के रोजगार देने के नाम पर उनको पीठ में चाकू घोंपने का जो सरकार काम कर रही है, तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार आपने उनसे दक्षता का एग्जाम लिया, स्टेट का एग्जाम लिया, बीटेक का एग्जाम लिया, टीईटी का एग्जाम लिया, कई तरह का एग्जाम लिया आपने। आप एग्जाम लेके आप उनका जो रिजल्ट जारी किए तो क्या कर रहे थे आप उस वक्त, और आज आपको तीता लग रहे हैं शिक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार में राजकर्मी का दर्जा की मांग को लेकर पूरे बिहार भर के नियोजित शिक्षक जो हैं वो भारी संख्या में पटना में धरना दे रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है और शिक्षकों के साथ लॉलीपॉप दिखाने का सरकार काम कर रही है और बिहार में युवाओं को रोजगार के नाम पर चाकू घोंपने का काम कर रही है सरकार। जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर हम लोग 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करने वाले हैं। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार, पहले आप इस वीडियो में देखिए। 13 तारीख को आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, आंदोलन की नीति क्या है और आंदोलन में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, 13 तारीख को हम लोग जो है बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। ये शिक्षकों के साथ जो मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है पूरे बिहार में, और जिस तरह से उनके साथ धोखा हो रहा है, जिस तरह से बिहार में युवाओं के रोजगार देने के नाम पर उनको पीठ में चाकू घोंपने का जो सरकार काम कर रही है, तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार में हर तरह से जो इस तरह का जो माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, एक तरफ जो है मैं कल नालंदा होकर आया हूँ, नालंदा में मैं जियर गाँव में गया हूँ, तो वहाँ पर इस तरह से नृशंस घटना घटी है कि देख के जो है एकदम मन द्रवित हो जाता है। आज जो है रजनीश उनकी पत्नी से मिला जिसकी हत्या हुई थी, वो यहाँ गर्दन काट के जो है उनकी हत्या हुई, फिर गर्दन काट के 14 व्यक्ति जो है कटार लेके जो है वहाँ जो कटार लेके उन पर मतलब मरने के बाद भी उन पर हत्या करते ये उन पर हमला करते रहे, तब जब तक कि उनका जो है शरीर छटपटाता मैंने उनका शांत नहीं हुआ। तो इस तरह का बिहार में जो माहौल बना है, बीटा में आपने देखा ही, वहाँ पर बीटा में जो सुनील साहु की हत्या हुई तो वहाँ पर भी जो है 12 गोली चलाया गया और दिन में इस तरह से चलाया गया 7 बजे शाम में, कि मतलब कि देख के लगता है कि बिहार में अपराधियों की सरकार हो गई है। तो ये जो है सरकार को देखना होगा, सोचना होगा, और शिक्षकों के साथ जो आतंकित करने का एक काम कर रहे हैं बिहार में, तो ये नहीं चलेगा। आप जान लीजिए कि बिहार में शिक्षकों के नाम पर हम लोग एक बड़ा जो है विधानसभा घेराव करने का, आंदोलन करने का हमने सरकार को कह दिया है कि 13 तारीख के पहले आप सरकार को इस बात को सुनना होगा, हमारी बात को, कि शिक्षकों को जो आपने नियोजित जो हमारे शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा देते हैं तो ठीक है, और नहीं दर्जा देते हैं तो आपने जो वादा किया है ये वादा खिलाफी का ये आप पर आरोप लगेगा, और उसके बाद हम लोग जो है विधानसभा पर एक दबाव देंगे, विधानसभा घेराव करेंगे और आपको बताने का काम करेंगे कि जनता जो है हमारे साथ है इस मुद्दे पर, और आप जो है कर रहे हैं वो गलत है। आप बताइए, संस्कृत शिक्षक जो है हमारे 8-8 महीने से उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? मदरसा और संस्कृत शिक्षक दोनों एक साथ चलते थे और संस्कृत शिक्षकों का आपने वेतन रोक के रखा हुआ है। आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 13,000 वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से, याद होगा आपको, निकला था, उसमें 421 लोग बहाली हुए थे, 369 लोग उसमें मतलब के प्रिंसिपल बने, और उन लोगों का वेतन 8 महीने से नहीं मिला है। आप बताइए कि आज ये सारे के सारे लोगों को वेतन रोक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संस्कृत को मतलब संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनका वेतन रोक के क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो वित्त रहित कॉलेजों का स्थिति ऐसा खराब कर दिया है आपने कि जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, और वैसे लोगों को आप 10,000 महीना पर काम करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो बिहार में क्या संदेश जाएगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग के बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए इस तरीके का खाली जो बयान देते रहते हैं, एक बहाना मिल गया। बिहार में 85% जो है 85% लोगों के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और यही सरकारी स्कूल में यही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और ये नीतीश कुमार बहाल किए हुए हैं, तो क्या इन शिक्षकों पर से आपका भरोसा उठ गया है? और यदि शिक्षकों पर से भरोसा उठ गया है तो आपने बहाल करके कई एग्जाम लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने उनसे दक्षता का एग्जाम लिया, स्टेट का एग्जाम लिया, बीटेक का एग्जाम लिया, टीईटी का एग्जाम लिया, कई तरह का एग्जाम लिया आपने। आप एग्जाम लेके आप उनका जो रिजल्ट जारी किए तो क्या कर रहे थे आप उस वक्त, और आज आपको तीता लग रहे हैं शिक्षक। तो ये शिक्षक जिसके भरोसे आप पूरे बिहार को जो है आप शैक्षणिक वातावरण देना चाहते हैं, और उनको आप आतंकित कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं एजेंडा नहीं है ये एजेंडा, तो आप क्या चाहते हैं? तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं उनका, हम लोग पूरी तरह से जो आवाज़ उठा रहे थे आपको तकलीफ हो रहा है, ये गलत बात है। हम लोग उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे, हमारे चाहे कॉलेज के जो स्थिति बनी हुई है, हमारे शिक्षक के जो स्थिति बनी हुई है, और 13 तारीख को हम लोग एक बड़ा मतलब कि धरना का, और 13 तारीख को हम लोग बिहार में विधानसभा घेरने का जो कार्यक्रम तय किए हैं उसमें पूरी ताकत से हम लोग घेरेंगे। शिक्षकों के द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है, कई शिक्षकों को रोक लिया गया है, लाठीचार्ज भी हुई है, नज़रबंद भी कर दिया गया है कई शिक्षकों को, गर्दन काट।
आज जान लीजिए, आप जान लीजिए, आज पूरे बिहार से कई शिक्षकों को नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया है। आप याद कीजिए इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी में ऐसे हालात उत्पन्न हुए थे, आपने घोषित इमरजेंसी लगा दिया बिहार में। आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले भाजपा के लोग हैं। अब भाजपा के लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं तो मतलब शिक्षकों को अरेस्टिंग कर रहे हैं, क्या संदेश? तो अभी आपने देखा बीजेपी MLC जीवन कुमार ने नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पे तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षकों को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है सरकार, और बिहार में रोजगार के नाम पर युवाओं को चाकू घोंप रही है सरकार। जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर हम लोग 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करने वाले हैं। धन्यवाद ऐसी तमाम खबरों के लिए, जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।